चल रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर महादेव जी जो फोर लाइन के नीचे बने हुए हैं, इनकी मूर्ति, ये बहुत ही अद्भुत महादेव जी का मंदिर है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हम ऐसे महादेव जी के दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ पर एक अद्भुत रचना है। यहाँ पर ये आपको फोर लाइन के नीचे पुलिया दिखाई दे रहा होगा, ये पुलिया के नीचे देखो ऊपर से पानी टपकता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसी को भी पता नहीं है, अभी तक मालूम ही नहीं चल पाया कि पानी कहाँ से आ रहा है, जबकि ऊपर से फोर लाइन है, ये नेशनल हाईवे बना हुआ है चित्तौड़ कोटा का। यहाँ पर ये देखो लोग, भक्त लोग जल चढ़ा के शिवलिंग की पूजा करके और फूल चढ़ा के, उनका मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन इसी और पार्वती की दर्शन करके बहुत ही विवाह हुआ था उसी के उपलक्ष में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। ऐसी कैसी लीला है जो ऊपर से पानी टपक रहा है, न कोई मटकी है, यहाँ से देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत कला है यहाँ पर। और अपन जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये रचना कैसे हुई, बाहर ही जो लोग बैठे हैं उनसे इनका परिचय लेंगे कैसे क्या हुआ। यहाँ पर एक हमारे पंडित जी भी हैं जो यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं तथा यहाँ पर प्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम है, तो अपन उसको देखेंगे। ये यहाँ पर महादेव जी के यहाँ पर जो चंदन का कार्यक्रम रहता है, ये चंदन है, ये चंदन हमने भी लिया है अभी, ये ढोल नगाड़ा वगैरह पड़े हुए हैं। ऊपर से गाड़ियां निकल रही है और लोग रुक रुक के यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रसादी वितरण खीर का कार्यक्रम चल रहा है, ये भोपाल जी खड़े हुए हैं पास में ही, जो लोग दर्शन करने आए हैं, तब बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं ऊपर, देखेंगे कि इनका मान है, ऊपर ये कामनाएं थे बना हुआ है।